Hello everyone, welcome to this lecture on endodontics. We'll be discussing in this video about pulp testing. Fine, we'll be discussing pulp testing. Okay, so pulp testing, we will divide pulp testing into thermal test and EPT, electronic pulp testing. ठीक है, तो thermal test में क्या होता है? There are two types of thermal test. One is the heat test and one is the cold test. ठीक है, heat test and the cold test. Now we will be discussing the heat test. Heat test क्या होता है? Heat test is the least accurate method of testing. Least accurate method of testing. ठीक है, heat test is the least accurate method of testing. इसमें accuracy होता है, accuracy is around 71%. ठीक है, and it is done using GP sticks. तो इसमें क्या करते हैं, एक GP stick से हम heat test करते हैं. टेम्परेचर कितना होता है? 65.5 डिग्री सेल्सियस. और इसमें क्या होता है? वी डू ऑन दोस पेशेंट ऑन व्हिच पेन इंक्रीजेस ऑन टेकिंग हॉट लिक्विड्स. सो पेशेंट का कंप्लेंट क्या होता है? द पेशेंट कंप्लेंस दैट द पेन इंक्रीजेस ऑन टेकिंग हॉट लिक्विड्स. ऑन दोस टाइप ऑफ पेशेंट वी डू दिस हीट टेस्ट. तो हीट टेस्ट के बारे में एक बार पढ़ते हैं. क्या है? इट इज द लीस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ टेस्टिंग. ये लीस्ट एक्यूरेट मेथड है. एक्यूरेसी इज अराउंड कितना परसेंट है? एक्यूरेसी इज अराउंड 71%. यू हैव टू रिमेम्बर दिस. ठीक है, डन यूजिंग, क्या से करते हैं हम? डन यूजिंग जीपी स्टिक. तो लीस्ट एक्यूरेट ये आपको याद करना है. लीस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ टेस्टिंग, एक्यूरेसी इज अराउंड आपका कितना है? 71% is done using GP sticks. Use करते हैं हम. Temperature is 65.5 degree Celsius and the patients on which this heat test is done is the pain increases on taking hot liquids. जिन patients में जो pain increase होता है on taking hot liquids, तो उसी patients में हम heat test करते हैं. Generally कहा जाता है कि we do this heat test in the patient suffering from irreversible pulpitis. ये general rule है, पर specific नहीं है. Irreversible pulpitis, जो patient irreversible pulpitis से suffer कर रहा है, उनमें हम heat test करते हैं. ठीक है, general, it is general but not specific. ये specific नहीं है, general rule है कि irreversible में हम लोग heat test करते हैं. तो अभी याद रहेगा, least accurate method heat test, least accurate, accuracy around 71%. Done using GP sticks, temperature 65.5 degrees Celsius and pain increases on taking hot liquids. Okay? Next, we will be studying about the cold testing. Okay? Cold testing ke baare mein baat karenge. So, cold testing jo hai, it is the most accurate method of testing. Okay? Most accurate. Iska accuracy hai, aapka accuracy is around 86%. ठीक है, और इसमें क्या होता है? हम लोग यूज करते हैं वाटर आइस पेंसिल्स और कोल्ड वाटर. पर ये अभी इट हैज बीन अभी सुपीरियर मेथड्स, वी हैव गॉट सुपीरियर मेथड्स देन वाटर आइस पेंसिल कोल्ड वाटर. व्हाट यूज टू हैपन व्हेन यूज टू यूज वाटर आइस पेंसिल, क्या होता है? अगर हम सेंट्रल इंसाइसर में करते हैं तो दैट यूज टू मेल्ट. अभी लेटरल इंसाइसर में भी वो लग जाता था. ठीक है, तो वी हैव सुपीरियर मेथड्स नाउ. सुपीरियर मेथड्स ऑफ कोल्ड टेस्टिंग आर देयर नाउ. ठीक है, व्हाट आर द सुपीरियर मेथड्स ऑफ कोल्ड टेस्टिंग? वो है ड्राई आइस, ठीक है, और फ्रोजन CO2. ठीक है, ड्राई आइस और फ्रोजन CO2 ये हम करते हैं. ठीक है, तो इसमें क्या होता है? जनरली वी इट इज डन ऑन रिवर्सिबल पल्पाइटिस पेशेंट. ठीक है, रिवर्सिबल पल्पाइटिस पेशेंट पे हम यूज करते हैं. तो आप थोड़ा डिटेल में हम कोल्ड टेस्ट को बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट कोल्ड टेस्ट.
कोल्ड टेस्ट में क्या होता है, हमने बोला ड्राई आइस और फ्रोजन CO2 यूज करते हैं ना, तो ड्राई आइस एंड फ्रोजन CO2, तो इसका टेम्परेचर क्या है, वी हैव टू रिमेम्बर दिस, टेम्परेचर इज -78.5 डिग्री सेल्सियस। और अगर आपको रेंज पूछा, दिस इज द स्पेसिफिक टेम्परेचर -78.5 डिग्री, रेंज पूछा तो रेंज इज -56 डिग्री सेल्सियस टू -98 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये ड्राई आइस फ्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ के रेफ्रिजरेंट स्प्रेस भी यूज करते हैं, रेफ्रिजरेंट स्प्रेस। और जो रेफ्रिजरेंट स्प्रेस होता है वो थ्री टाइप्स का होता है, ठीक है। एक है इथाइल क्लोराइड, देन एक है DDM, दैट इज डाइक्लोरो क्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन, ठीक है। और एक है 1112 टेट्रा फ्लोरो इथेन, ठीक है। तो इनका टेम्परेचर हमको जानना पड़ेगा, इथाइल क्लोराइड -41 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन आपका हो गया -50 डिग्री सेल्सियस, एंड 1112 टेट्राफ्लोरो इथेन -26.2 डिग्री सेल्सियस या -30 डिग्री सेल्सियस भी होता है, ठीक है। तो कोल्ड टेस्ट में क्या करते हैं हम, रिवर्सिबल पल्पाइटिस में क्या होता है, सिम्टम्स ड्यू टू कोल्ड, तो याद रहेगा ये सारा आपको पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। यू हैव टू रिमेम्बर दिस। कोल्ड टेस्ट हमने पहले ऑलरेडी बात किया, दैट वाटर आइस पेंसिल, जस्ट लेट मी डू विद द हाइलाइटर, वाटर आइस पेंसिल्स यूज करते हैं हम, ठीक है, कोल्ड वाटर यूज करते हैं। सुपीरियर मेथड्स ऑफ कोल्ड टेस्ट आ गया ड्राई आइस, फ्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड, जो रिवर्सिबल प्रॉपर्टीज देखते हैं, ठीक है। ड्राई आइस कोल्ड टेस्ट, ड्राई आइस फ्रोजन CO2, टेम्परेचर है -78.5 डिग्री सेल्सियस, रेंज -56 डिग्री सेल्सियस टू -98 डिग्री सेल्सियस, रेफ्रिजरेंट स्प्रेस थ्री टाइप्स का होता है, एक है इथाइल क्लोराइड, टेम्परेचर -41 डिग्री सेल्सियस, DDM डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन -50 डिग्री सेल्सियस, और 1112 टेट्राफ्लोरो इथेन -26.2 डिग्री सेल्सियस। और ये कोल्ड टेस्ट किस पे देखते हैं, रिवर्सिबल पल्पाइटिस पेशेंट्स पे, ठीक है। सो वी वर डन विद द हीट टेस्ट एंड द कोल्ड टेस्ट, नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉनिक पल्प टेस्टिंग, ठीक है, EPT के बारे में हम बात करेंगे। तो वी विल बी डिस्कसिंग इलेक्ट्रॉनिक पल्प टेस्टिंग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक पल्प टेस्टिंग में दो चीजें आपको याद रहना है, एक मीडियम यूज करते हैं और एक इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, ठीक है। तो मीडियम क्या होता है, टूथपेस्ट, ठीक है, दिस हैज कम इन एग्जाम एज ए MCQ, मीडियम यूज इज टूथपेस्ट। और इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड स्पेसिफिक लोकेशन कहाँ पे यूज करते हैं, तो फॉर द मोलर्स इट इज द मेजियोबकल कस्प टिप, ठीक है, और फॉर इंसाइसर्स आपका ये है इंसाइसर थर्ड, इन ग्रॉसमैन इट इज गिवेन, ग्रॉसमैन इट्स गिवेन मिडिल थर्ड, और जो कोहेन है, कोहेन में दिया है इंसाइसल थर्ड, सो वी विल फॉलो इंसाइसल थर्ड। इफ यू आर फॉलोइंग ग्रॉसमैन इन योर कॉलेज, सो यू गो विद मिडिल थर्ड, बट फॉर MCQ एग्जाम के लिए, नीट MDS के लिए, यू विल गो विद इंसाइसल थर्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड शुड टच द टूथ, इलेक्ट्रोड शुड टच द ठीक है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पल्प टेस्टिंग में क्या आता है, तो दो रिजल्ट्स आता है इलेक्ट्रिक पल्प टेस्टिंग में, ठीक है। इट कैन बी फॉल्स पॉजिटिव, मतलब वो पेशेंट को है ही नहीं, फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव, ठीक है। तो फॉल्स पॉजिटिव का मतलब क्या है और फॉल्स नेगेटिव का मतलब क्या है, फॉल्स पॉजिटिव पेशेंट को एक्चुअली है ही नहीं कुछ, ठीक है, तो है एक्चुअली पर इट्स नॉट शोइंग, है नहीं फिर भी इट्स शोइंग, तो कहाँ पे दिखाता है, दिस इट्स शोन इन
गैंग्रीनियस पल्प, गैंग्रीनियस पल्प में आपको दिखाता है इलेक्ट्रिक पल्प टेस्टिंग, देन पार्शियली नेक्रोटिक पल्प, पार्शियली नेक्रोटिक पल्प, पार्शियली नेक्रोटिक पल्प। जैसे सोचो, पार्शियली नेक्रोटिक मीन्स मेजियल हाफ इज नेक्रोस्ड, मेजियल हाफ हाफ ऑफ पल्प इज नेक्रोस्ड, इज नेक्रोस्ड, बट डिस्टल हाफ, डिस्टल हाफ इज नॉट नेक्रोस्ड, डिस्टल हाफ इज नॉट नेक्रोस्ड। तो उस समय भी ये फॉल्स पॉजिटिव शो करता है। नंबर थ्री कॉज इज हाई एंजाइटी। हाई, जब एंजाइटी होता है पेशेंट का तो भी आपको फॉल्स पॉजिटिव आ सकता है। ठीक है, नाउ फॉल्स नेगेटिव कब आता है? फॉल्स का, फॉल्स नेगेटिव इज मोर कॉमन, मोर कॉमन मतलब इसमें क्या होता है, पल्प इज वाइटल बट इलेक्ट्रॉनिक पल्प टेस्ट इज नॉट रेस्पॉन्डिंग। फॉल्स नेगेटिव में पल्प इज वाइटल बट इलेक्ट्रॉनिक पल्प टेस्टिंग इज नॉट रेस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन फॉल्स नेगेटिव, द पल्प इज वाइटल। इन केस ऑफ फॉल्स पॉजिटिव क्या होता है, पल्प इज नॉट वाइटल बट इट्स स्टिल शोइंग कि पल्प वाइटल है। एंड फॉल्स नेगेटिव में क्या होता है, पल्प इज वाइटल बट इलेक्ट्रॉनिक पल्प टेस्ट इज शोइंग इज नॉट रेस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो ये कब होता है, ऑब्लिटरेट पल्प चेम्बर जब होता है, ऑब्लिटरेट पल्प चेम्बर और कैल्सिफिकेशन होता है। ठीक है, कैल्सिफिकेशन इज देयर देन इट हैपेंस। इफ पेशेंट हैज ए हाईली रेस्ट्रोड ट्रूट विथ पल्प प्रोटेक्शन बेस, तो अगर एक बेस दिया हुआ है जो रेस्टोर टूट है, बेस इज हाई, ठीक है, बेस इज विद पल्प प्रोटेक्टेड बेस। हाँ, ए पेशेंट हैज हाईली रेस्टोर टूट विद पल्प प्रोटेक्टेड बेस, बेस जो है वो पल्प प्रोटेक्टेड है, मतलब हेवी बेस दिया हुआ है, तो उसमें भी फॉल्स नेगेटिव आता है आपको। ठीक है, एंड नंबर थ्री, रिसेंटली ट्रोमाटाइज टूथ, इसमें भी आपको फॉल्स नेगेटिव आता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ईपीटी व्हाट डज इट डिनोट्स, और भी कुछ पॉइंट रह गए हैं ईपीटी में फॉल्स नेगेटिव का। फॉल्स नेगेटिव आपका रह गया है रिसेंटली इरप्टेड टूथ, रिसेंटली इरप्टेड टूथ। ठीक है, फिर विथ रिसेंटली इरप्टेड टूथ विथ इनकम्प्लीट एपेक्स, जो एपेक्स कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ये एमसीक्यू आया हुआ है। ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट, रिसेंटली इरप्टेड टूथ विथ इनकम्प्लीट एपेक्स और ओपन एपेक्स, अगर ओपन एपेक्स हुआ तो भी होगा, क्योंकि क्यों होता है, बिकॉज माइलिनेशन, माइलिनेशन इज नॉट कंप्लीट, इसीलिए आपका ये फॉल्स नेगेटिव दे रहा है। ठीक है, एंड नेक्स्ट है, पेशेंट इज ऑन सेडेटिव्स और एनाल्जेसिक्स, तो भी आपको फॉल्स नेगेटिव आएगा। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है हाई पेन थ्रेशोल्ड, सम पेशेंट हैव हाई पेन थ्रेशोल्ड, मतलब जल्दी से उनको पेन फील नहीं होता है, सो दिस टाइप ऑफ पेशेंट ऑल्सो कैन बी हैविंग फॉल्स नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक पल्प टेस्टिंग। ठीक है, फाइन, नाउ वी विल गो टू लिटिल मोर डिटेल अबाउट दिस पल्प वाइटलिटी टेस्ट। तो इसको क्या है, जो हीट टेस्ट है, कोल्ड टेस्ट है और इलेक्ट्रिक पल्प टेस्टिंग है, दिस आर नॉट ट्रू वाइटलिटी टेस्ट। ठीक है, ट्रू वाइटलिटी टेस्ट क्या है, ट्रू वाइटलिटी टेस्ट आपका एलडीएफ, लेजर डॉपलर, एलडीएफ और पल्स ऑक्सीमेट्री है, ट्रू वाइटलिटी टेस्ट, उससे हम मेजर करते हैं। ठीक है, ट्रू वाइटलिटी टेस्ट क्यों नहीं है, व्हाई इट इज नॉट ट्रू वाइटलिटी, बिकॉज वाइटलिटी, व्हाट डज वाइटलिटी, वाइटलिटी इज रिलेटेड टू ब्लड फ्लो, वाइटलिटी इज रिलेटेड टू ब्लड फ्लो इन थर्मल एंड इन थर्मल एंड ईपीटी वी चेक द, ईपीटी वी चेक द इंटैक्टनेस, इंटैक्टनेस ऑफ नर्व फाइबर्स,
of nerve fibers and not the blood supply of the pulp. So I'm thorina isme of the pulp. So we don't see kya hai aapko jo jo aapka heat testing hai or cold testing hai usme hum log we check the intactness of nerve fibers intact hai ki nahi wo dekhte hai aur blood flow hum check nahi karte hai theek hai. So ek ek aur point reh gaya hai yahan pe that this might come as an MCQ aapko ki accuracy of electronic pulp testing kitna hai. Accuracy of electronic pulp testing is 81%. ठीक है और heat test में क्या होता है C fibers are activated. ठीक है and cold test में क्या होता है, cold test में क्या होता है A delta fibers are activated. ठीक है fine. So इतना ही है pulp testing में. So I hope you understood every point about this first se leke last tak. It's not difficult topic, it's more about memorizing. Aapko temperature yaad karna hai, accuracy kitna hai yaad karna hai, naam sara yaad karna hai, bas itna hi hai. Theek hai, you remember this Mejio-Buckel cusp tip use karte hai hum, electrode yahan pe lagate hai Mejio-Buckel cusp tip. Theek hai, fir incisal third, these are the points to be remembered na. फिर कहाँ पे फॉल्स पॉजिटिव होता है, कहाँ पे आपका फॉल्स नेगेटिव होता है. ठीक है देन दिस इज फॉल्स नेगेटिव और एक्यूरेसी कितना है, एक्यूरेसी इज 81%. हीट टेस्ट सी फाइबर्स आर एक्टिवेटेड एंड कोल्ड टेस्ट ए डेल्टा फाइबर्स आर एक्टिवेटेड. ठीक है फाइन. सो वी आर डन विथ we are done with this topic. I hope you like the topic. I hope you like the presentation. Aapko samajh mein aaya and you can do well in your exam after studying this. Thank you so much.